हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड नाइन्थ का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, द फन दे हैड बाय इसाक एसिमो। तो ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है मार्जी के साथ, जो अपनी डायरी में लिख रही होती है एक ओल्ड बुक के बारे में जो टॉमी को मिलती है। मार्जी ने अपने ग्रैंडफादर से सुना था कि उनके ग्रैंडफादर जो थे, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक एक्चुअल स्कूल में जाते थे, असली स्कूल में जाते थे जहां पर ह्यूमन टीचर्स होते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। मार्जी 11 इयर्स की है, टॉमी 13 इयर्स का है और ये स्टोरी प्लेस्ड है फ्यूचर में, इन द ईयर 2157। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है जो 11 इयर्स की है। तो 17 मई 2157 को मार्जी रात को अपनी डायरी लिख रही होती है, जिसमें वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, पुरानी बुक जिसमें प्रिंटेड पेजेस थे, और वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके टाइम पे ऐसी बुक्स होती थी, और उसको याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको इन बुक्स के बारे में कुछ बताया था। उन्होंने बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनके भी ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर ने बताया था कि ऐसी जो स्टोरीज थी उस टाइम पे पेपर पर लिखी जाती थी, प्रिंट की जाती थी। तो ये जो टॉमी है ये मार्जी के नेबरहुड में रहता है, पड़ोस में रहता है। तो उस दिन वो मार्जी के घर वो पुरानी डस्टी बुक लेकर आया था उसको दिखाने के लिए, और उसको बताता है कि ये बुक मुझे एटिक में मिली। अब ये एटिक क्या होता है, छत के बिल्कुल नीचे एक कमरा होता है जिसको यूज किया जाता है स्टोर रूम के तरीके से। तो टॉमी को ये बुक उसके घर के एटिक में मिली। तो मार्जी जब उस बुक के बारे में बात करती है तो वो बताती है कि वो बुक के जो पेजेस हैं वो येलो हो चुके हैं और वो थोड़ी क्रश हो चुके हैं क्योंकि काफी पुरानी थी बुक, एंड बच्चों को बहुत फनी लग रहा था उसको पढ़कर बुक को, क्योंकि उसका हर वर्ड स्टिल था, मतलब वो हिल नहीं रहा था क्योंकि वो प्रिंटेड थी। और ऑन दी अदर हैंड जो बुक्स टॉमी और मार्जी पढ़ते थे वो तो ऑनलाइन थी, वो सब ई बुक्स थी, वर्ड आता था वहां से चला जाता था, स्टिल नहीं रहता था। तो जब भी वो उस बुक का पेज पलटते वो वर्ड वहीं पे होता, स्टिल होता, जब वो पहली बार पढ़ा था तब भी वो वहीं पे था, इस बार भी वो वहीं पे था। तो टॉमी को ये लगता है कि ऐसी बुक्स तो बिल्कुल वेस्ट हैं, बर्बाद है, मतलब आप पढ़ने के बाद क्या करोगे, फेंक दोगे। लेकिन अगर आप टेलीविजन स्क्रीन की बात करो उस पे तो इतनी सारी बुक स्टोर की जा सकती है। तो टॉमी ने मार्जी को बताया कि जो बुक है वो स्कूल के बारे में है, और मार्जी को नफरत थी स्कूल वर्ड से। वो कहती कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है लोगों के पास, मतलब ऐसा क्या लिखा जा सकता है स्कूल के बारे में, कुछ भी तो नहीं है। पर टॉमी ने उसे बताया कि जो बुक में लिखा हुआ है वो आज के स्कूल से काफी डिफरेंट था, मतलब जो हमारे स्कूल है वैसा नहीं था। मार्जी के स्कूल की बात की जाए तो वो तो उसके घर में ही था, उसका स्कूल रूम उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ में था, और उसके पास एक मैकेनिकल टीचर था ऑनलाइन स्क्रीन पे जो आता था उसको पढ़ाने के लिए, और वो जो टीचर था वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रहे थे ज्योग्राफी में, और वो बुरे से बुरा परफॉर्म कर रही थी, मतलब बुरे स्कोर्स आ रहे थे। तो मार्जी की मम्मी बहुत अनहैप्पी थी। फाइनली उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का इंचार्ज था जो मैकेनिकल टीचर्स को फिक्स करता था। तो मार्जी के मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया इंस्पेक्ट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो जो इंस्पेक्टर है वो आए, वो छोटे से राउंड लिटिल मैन थे विद रेड फेस, और उनके हाथ में एक डब्बा था फुल ऑफ टूल्स जिसमें डायल्स थी, वायर्स थी,
और उन्होंने मार्जी को देख के स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। मैकेनिकल टीचर को खोलना शुरू कर दिया उन्होंने। मार्जी को दिल से लग रहा था कि शायद इनको इसको फिक्स करना ना आए या ये मैकेनिकल टीचर को दोबारा ना सेट कर पाए, बट उनको इंस्पेक्टर को सब कुछ आता था। उन्होंने ये सारा काम ठीक कर लिया एक घंटे के अंदर अंदर। नाउ जो स्क्रीन थी वो चलने लग गई, मैकेनिकल टीचर वापस आ गए थे उसके ऊपर, लेसन्स आ रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जो पार्ट मार्जी को सबसे गंदा लगता था वो ये था कि उसको अपना होमवर्क और टेस्ट सबमिट करना था, और वो जो होमवर्क और जो टेस्ट था वो एक पर्टिकुलर पंच कोड में लिखा जाता था जो कि एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज है, और ये कंप्यूटिंग लैंग्वेज मार्जी को सिखाई गई थी जब वो 6 ईयर्स की थी। और जो मैकेनिकल टीचर है वो तो फटाफट पेपर्स और कैलकुलेशन फटाफट कर देते थे जैसे ही उनको शीट मिलती थी। तो जो इंस्पेक्टर थे काम होने के बाद उन्होंने वापस से स्माइल किया मार्जी की तरफ और उसके सर पे थपथपाया। तो वो बताते हैं कि मैम इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, वो जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो गियर था लिटिल टू क्विक, मतलब ऊपर की तरफ को फिक्स था उसका लेवल, इसके आईक्यू से थोड़ा ज्यादा, तो मैंने उसे वापस फिक्स कर दिया है 10 या 11 ईयर ओल्ड बच्चे के मेंटल आईक्यू के हिसाब से, और इसकी प्रोग्रेस तो अच्छी चल रही है, अच्छा पढ़ रही है। तो उन्होंने फिर से मार्जी को पैट किया, पर मार्जी तो इतनी दुखी थी, वो तो ये दुआ कर रही थी कि ये मैकेनिकल टीचर को उठा के ही ले जाए, क्योंकि ऐसा उसने सुना था टॉमी के साथ हुआ था जो उसका फ्रेंड बुक लेकर आया था। टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है उसको 1 महीने के लिए वो लोग ले गए थे, क्यों? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर है, हिस्ट्री का सेक्शन है, वो ब्लैंक आउट हो गया था, गायब हो गया था। तो अब टॉमी मार्जी को बोलता है कि जो बुक है वो स्कूल के बारे में है, और मार्जी को मैंने आपको बताया, उसको समझ में नहीं आता कि क्या है लिखने को स्कूल के बारे में, मतलब क्यों कोई ऐसा टॉपिक चूज करेगा। तो इस पे टॉमी उसको बताता है कि ये जो बुक है ये हमारे किस्म के स्कूल्स के बारे में नहीं है, ये एक अलग किस्म के स्कूल के बारे में बताती है हमें, जो स्कूल बहुत सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करते थे। तो टॉमी मार्जी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि वो जो पुराने स्कूल्स थे वहां पर एक टीचर पढ़ाने आता था, बट वो एक इंसान था, मैकेनिकल टीचर नहीं था। तो मार्जी ने तो कभी सुना ही नहीं था कि एक इंसान भी एक टीचर हो सकता है, उसने तो हमेशा से एक मैकेनिकल टीचर रोबोट से ही पढ़ाई की थी, और उसके लिए उसका स्कूल उसका कमरा ही था, उसके घर पे ही था। तो उसने कभी भी ये सब नहीं सोचा था कि एक इंसान इतना इंटेलिजेंट हो सकता है जितना एक मैकेनिकल टीचर। तो वो बहुत हैरान हुई और उसको लगा कि एक इंसान कैसे एक टीचर हो सकता है, कैसे एक इंसान को इतनी नॉलेज हो सकती है कि वो बच्चों को पढ़ाए, उसने तो शुरू से मैकेनिकल टीचर ही देखा था। और वो कहती कि मुझे अपने घर में एक स्ट्रेंज मैन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो इस पे टॉमी हंस पड़ता है और वो बोलता है कि वो टीचर बच्चों के घर पे नहीं रहता था, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जहां पर सब बच्चे इकट्ठे पढ़ने के लिए आते थे। तो टॉमी मार्जी को बताता है कि जो बच्चे थे सेम एज के वो एक ही क्लास में बैठकर एक ही चीज पढ़ते थे, बट अगर हम अपने मैकेनिकल टीचर की बात करें तो उसको तो एडजस्ट किया जाता है ना हर लड़का और हर लड़की के डिफरेंट आईक्यू के हिसाब से। अभी इन लोगों की बातें खत्म ही नहीं हुई थी, आधी बुक खत्म भी नहीं हुई थी कि मार्जी की मम्मी ने उनको बुला लिया और उन्होंने बोला कि अब टाइम हो गया है मार्जी तुम्हारे स्कूल का, और टॉमी को भी बोला कि आपके भी स्कूल का टाइम हो चुका है। तो टॉमी ने वो बुक उठाई, अपनी
आम के नीचे उसे टक किया डाला और विसल करते हुए निकल गए। तो मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई वापस से, जो उसके बेडरूम के साथ में ही था। तो जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल तैयार था, वेट कर रहा था मार्जी के लिए, और वो हमेशा उस टाइम पे ऑन हो जाता है हर रोज एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्जी के मॉम को ये लगता है कि छोटी लड़कियों को, छोटे बच्चों को रेगुलर आर्ट्स पे पढ़ना चाहिए, जिससे उनकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होती है अगर वो रेगुलर आर्ट्स पे पढ़ते हैं। तो जो स्क्रीन थी वो चल रही थी, और जो मैकेनिकल टीचर था उस दिन उन्होंने मार्जी को एक लेसन देना था, किसके ऊपर पढ़ाना था, अर्थमेटिक के ऊपर, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इट वॉज अबाउट एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आपने पढ़ी होगी। तो जो मैकेनिकल टीचर थे उन्होंने मार्जी को बोला कि पिछले दिन का होमवर्क डालो प्रॉपर स्लॉट में। तो मार्जी ने काम तो डाल तो दिया, बट एक साह के साथ, डीप ब्रेथ के साथ मैकेनिकल टीचर ने लेसन देना शुरू किया। बट मार्जी अपने ख्यालों में थी, वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो मार्जी को सोचते सोचते बड़ी हैरानी हुई कि उस टाइम पे बच्चे कितना मजा करते होंगे उन स्कूल्स में। सारे बच्चे गली के, नेबरहुड के इकट्ठे जाते होंगे पढ़ने के लिए, इकट्ठे हंसते होंगे, इकट्ठे खेलते होंगे, शाउट करते होंगे स्कूल गार्डन में, स्कूल यार्ड में, और इकट्ठे बैठ के वो लोग पढ़ते भी होंगे, और स्कूल की छुट्टी के बाद वो लोग इकट्ठे घर पे आते होंगे एक साथ, और इनफैक्ट सेम एज के बच्चे सेम चीज पढ़ते होंगे जिससे वो एक दूसरे की हेल्प कर सके होमवर्क में। और इस सारा टाइम मार्जी सोचती रही कि कितना मजा करते होंगे बच्चे उन स्कूल्स में जो पुराने दिनों में एग्जिस्ट करते। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय।